न्यूज देख रहे सारे दर्शकों मेरे यानी सिमरन वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। हेल्दी टिप्स के मैं तुहाडा स्वागत करती हूँ। दोस्तों अज असी गल करांगे उस टॉपिक के उत्ते जिस तो सुन के शायद तुहानू भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होएगी। असी अजकल वेखते हैं कि हमेशा ही अक्सर असी हमेशा क्राउडेड प्लेसिस दे विच घिरे रहने हैं, जिस करके कई बार सानू तनाव महसूस होंदा है। कई बार सानू इस तरह होंदा है कि असी इस जगह तो भज जाइए ते किते एकांत दे विच शांति दे विच जिहड़ा है समा बतीत करिए। ते आओ गल करदे हाँ कि ये सब क्यों हुंदा है ते सानू किवें एकांत दे विच समा बिताउण नाल पॉजिटिविटी मिलती है। कि तुसी भी उन्हां लोकां विच्चों एक हो जो इकल्ले रहना पसंद नहीं करदे अते हमेशा परिवार अते दोस्तां विचकार रहना पसंद करदे हो, तां तुहानूं अपने लई कुछ समां कढ़ना शुरू कर देना चाहीदा है अते इकल्ले रहन दी आदत भी बना लैनी चाहीदी है। क्योंकि एक ताज़ा खोज दे दिखाया है कि इकल्ले अते इकल्ले रहन नाल मानसिक सेहत विच सुधार हुंदा है अते इह सकारात्मकता भी लियाउंदा है। खोज की हुंदी है? हाल ही विच डरहम यूनिवर्सिटी दे मनोविज्ञानिक विभाग ने ग्रैजुएट विद्यार्थियों ते एक खोज कीती। इन्हां दे कारण कुछ लोगों नू कई बार इकट्ठे बिठाया गया ते पता लगा कि उन्हां विच कुछ सकारात्मक विज्ञान देखण नू मिल सकता है। इस दे नाल ही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी आदि स्थितियां विच भी एकांत विच रहना लाभदायक है। इकल्ले रहना चुनौतीपूर्वक हो सकता है। बहुत सारे लोगों लई इकल्ला ही समय बिताउणा चुनौतीपूर्वक हो सकता है। कई बार वह बोर अते इकल्ले हो सकते ने, पर तुसी कुछ सकारात्मक विचारां नाल इकल्ले रह सकते हो। जे ज़्यादा नहीं तो दिन विच घट्टो घट 10 मिनट इकल्ले रहन दी आदत बनाओ अते इस दौरान अपने गोल्स बारे सोचो अते तुसी जिंदगी विच होर की करना चाहुंदे हो उस बारे विचार करो। इकल्ले रहन दे लाभ: स्वय जागरूकता वधाउणा। जो तुसी इकल्ले हुंदे हो तो हाडे कोल बिना किसी बाहरी विचारां अते भावनावां दे अपने खुद दे विचारां बारे सोचण दा समां हुंदा है अते इह तुहाडे अंदर स्वय जागरूकता लियाउंदा है। रचनात्मकता नूं वधाओ। जदों तुसी इकल्ले हुंदे हो तां तुसी बिना किसी रुकावट जां बाहरी प्रभाव दे अपने विचारां दी पड़चोल करदे हो, जो तुहाडी रचनात्मकता नूं भी वधाउंदा है। तनाव नूं घटाओ। खोज दे अनुसार जदों तुसी इकल्ले हुंदे हो तां तुहाडे मन नूं शांति मिलदी है अते शांति दी इह भावना तुहाडे तनाव नूं घट करन विच मदद करदी है। उत्पादकां विच वाधा। जदों तुसी इकल्ले हुंदे हो तुहानूं कई होर विकल्पां बारे सोचण दा समां मिलदा है अते जदों तुसी अपने व्यस्त कारजमय कामां विच फसे हुंदे हो अते उस विचों जदों समां कढ के इकल्ले सोचण लई बैठदे हो तां तुसी बेहतर काम करन दे योग हो जांदे हो। कुल मिला के एकांत विच रहना मानसिक सेहत अते तनाव दे पद्धर नूं घटाउण लई इक बेहतर विकल्प हो सकदा है। इह तुहानूं रिचार्ज करन अते दिमाग दे विकास लई भी फायदेमंद हुंदा है। उम्मीद करती हूँ आज की यह हेल्दी टिप तुहाडे लिए फायदेमंद साबित होगी। फिलहाल लिए मैनू दिओ इजाजत ते होर अपडेट्स लिए वेखते रहो फैक्ट न्यूज़। सत श्री अकाल।